नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमांशी न्यूज़। मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। अभी हम मुजफ्फरपुर जिला के सकरा प्रखंड में पहुंचे हुए हैं। अभी अभी थोड़ा देर पहले ये एफसीआई गोदाम में एसडीओ साहब का छापा पड़ा है। अब छापा क्यों पड़ा है वो भी हम आपको पूरी जानकारी वीडियो में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पे तीन मुंशी काम करता था। वो तीन मुंशी पर अभी एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेश दिया गया है, जहाँ पे सकरा थाना के प्रभारी और हम अंचल अधिकारी वीडियो साहब सब लोग यहाँ पे मौजूद थे। और दूसरी बात बता दें कि देखिए, यह एफसीआई गोदाम है जहाँ पे ये कंप्लेन हुआ था किसी न किसी डीलर के माध्यम से कि जब हम लोग वहाँ पे जाते हैं तो अधिकारी के नाम पर पैसा की मांग की जाती है, पैसा अवैध पैसा वसूली की मांग की जाती है। उसी प्रकार डीएम साहब इस मैटर को संज्ञान में लेकर यहाँ पे छापेमारी करने के लिए एसडीओ साहब को निर्देश दिए, और अभी थोड़ा देर पहले यहाँ पे एसडीओ साहब पहुँचे हुए थे। अभी एफसीआई गोदाम का नज़ारा आप देख सकते हैं। तीन आदमी पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आदेश दिया है, और जितने भी यहाँ पे चावल के बोरा वगैरह, गेहूं के बोरा वगैरह है, सभी को गिनती किया गया है, वजन जांच किया गया है, वजन में भी कमी आई है, जो कि एसडीओ साहब के माध्यम से कहा गया। पहले आइए एसडीओ साहब की तरफ से क्या कुछ बोला गया, जरा सा आप सुन लीजिए। से दो स्तर पर अनियमितता किया जाता है। एक तो अधिकारियों के नाम पर हम लोग से राशि की मांग की जाती है, जिससे कि अच्छी गुणवत्ता की हम चावल दें, और दूसरा उनका शिकायत रहता है कि बोरा के बराबर जो वजन होता है वो हम लोग को नहीं दिया जाता है। तो इन्हीं दोनों बिंदुओं पर जांच करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी और जिला पूर्ति पदाधिकारी मैं हो गया, दोनों को डीएम साहब निर्देश दिए और जांच करने के लिए आए। जांच प्रतिवेदन हम लोग है जो तैयार कर लिए हैं, और गोदाम के संबंध में और यहाँ के जो डोर स्टेप डिलीवरी हैं कार्यकर्ता है काम करने वाले, उनके कार्यों के संबंध में हम लोग को जो अनियमितता लगी, जाँच में जो उजागर हुआ, उसके अनुरूप जांच प्रतिवेदन डीएम साहब को दिया जाएगा। और दूसरा, जो कमी पाया गया है या जो कुछ उनका क्रियाकलाप रहा, उसके विरुद्ध हम लोगों ने प्राथमिकी का अनुशंसा कर दिया, प्राथमिकी दर्ज हो रहा है। पीडीएस गोदाम में सर बिजली का राशि काफी भुगतान होने के कारण डीलरों को आवंटन तौल के नहीं मिलता है। हाँ, इसके बारे में हम लोग जो प्रतिवेदन में उल्लेख कर दिए हैं और आगे की कार्रवाई किया जाएगा। प्राथमिकी जो डोर स्टेप पर डिलीवरी करता है उनके विरुद्ध, और उनके जो काम करने वाले लोग रखे हुए उनके विरुद्ध। उसमें दो काम करता है। हाँ, तो तीन आदमी के विरुद्ध किया गया है। उसमें सर्वाधिक उसी का मामला जो भी हम लोगों ने किया प्राथमिकी में लिखा हुआ है, और शेष जांच प्रतिवेदन में डीएम साहब को दे दिया जाएगा। शिकायत कौन डिलीवर किया था उसका, तो हम नाम में आप लोग के सामने उजागर नहीं करेंगे, लेकिन शिकायतकर्ता हैं। और गोदाम में कोई अनियमितता नहीं, इसके अलावा और कुछ नहीं, और सब संतोषजनक। बोरा के वजन की बात थी, तो वो जांच प्रतिवेदन में हम लोग दे रहे हैं। डीएसओ साहब के तरफ से सुने कि उनका क्या नाम है कि गुप्त सूचना के अधिकार पर नाम नहीं बताने के शर्त पर किसी न किसी ईमानदार डीलर के माध्यम से डीएम साहब को कंप्लेन किया गया कि सर, जब हम लोग राशन लाने जाते हैं तो वहाँ पे मुंशी जो है वो, चाहे वहाँ के मैनेजर के बारे में उनको शिकायत मिला था कि हम लोग से अवैध पैसा की मांग की जाती है, और जब तक पैसा हम लोग नहीं देंगे तब तक वो लोग राशन नहीं देता है। इसी को संज्ञान में लेते हुए डीएम साहब ने टीम गठित किया, और टीम गठित करने के बाद एसडीओ साहब और डीएसओ साहब को सकरा प्रखंड में भेजा गया, और यह एफसीआई गोदाम को पूरे तरीके से जांच किया गया, सभी बिंदु पर चर्चा की गई, और उसके बाद कानूनी प्रक्रिया में भेज दिया गया, जहां पे सकरा के थानाध्यक्ष खुद मौजूद थे, उसके बाद ब्लॉक के प्रखंड विकास पदाधिकारी खुद मौजूद थे, अंचलाधिकारी महोदय खुद मौजूद थे, सभी लोग के मौजूदगी में यह आदेश दिया गया कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई करने के बाद ये लोग को उचित न्याय हिरासत में भेजा जाएगा। तो अभी हम यही एफसीआई गोदाम पर है जहाँ से हम आपको दिखा पा रहे हैं। अब बताइए कि जो भी डीलर है, जो भी आंगनबाड़ी के सेविका सहायिका जो भी होती है, यहाँ से जब राशन लेने आती है, तो बताइए, सरकार तो एक तरफ कह रही है केंद्र में कि हम सबको फ्री में राशन देंगे, घर घर वह योजना को पहुँचाएंगे, एक रुपया लेना नहीं है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे अगर कोई डीलर साहब वगैरह ये सब आते थे तो अधिकारी के नाम पर पैसा की वसूली की जाती थी, अवैध पैसा की वसूली की जाती थी। उन लोगों को कहा जाता था कि हमको अधिकारी को भी देना पड़ता है, अधिकारी के लिए दीजिए, तो उस पर संज्ञान में लेके विशेष टीम गठित करके कानूनी कार्रवाई में भेज दिया गया है। तो पूरी मामला के जानकारी हम आपको बता पाए। आप देख रहे थे हिमांशी न्यूज़। मेरा नाम है मिथुन कुमार शर्मा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।